हाय बच्चों, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू टुडे सेशन विथ मी अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेस एट वेदांत। होपिंग ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंगली वेल। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स देने जा रहे हैं। नाइन्थ के भी कई सारे बच्चे एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं या फ्यूचर में भी आगे करेंगे। ये बहुत जनरल सी बात है ना कि एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हो रही होती हैं, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस होती है, कॉन्फिडेंस का पारा बिल्कुल नीचे गिरा होता है, एनर्जी बहुत लो हुई हुई होती है, जोश जो हमेशा वैसे तो हाई रहता है उस वक्त पता नहीं कहाँ पे आराम से एक नींद मारने चला जाता है। तो अब इस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे हैं, तो वो क्या ट्रिक्स हैं जो हमें यूज करनी है, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब हम एंटर करें एग्जाम वाले दिन सुबह क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेस बस्ट करें, हाउ टू गेट ओवर दैट पैनिक अटैक व्हिच इज जस्ट अबाउट टू हैपन। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले। जैसे मैं कह रही थी कि नाइन्थ स्टैंडर्ड के कई बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं या आगे होने वाले हैं, उनके लिए बहुत रेलिवेंट है, बट ये टेंथ के बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए जिनका मेन पेपर जो है वो ट्यूजडे से शुरू हो रहा है और ज्यादा रेलिवेंट है, एक बहुत सिंपल से रीजन की वजह से। नाइन्थ में हम फिर भी चाहे एग्जामिनेशन हॉल में ही सही पर अपने स्कूल में बैठकर एग्जामिनेशन देते हैं। एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली होता है, फमिलियर होता है, आप लोगों को, टीचर्स को, सबको पहचानते हो। बोर्ड्स में ये प्रिविलेज हमें नहीं मिलता है, एक दूसरी नई जगह पे हम बैठे होते हैं, हम अपने इन्विजिलेटर को पहचानते नहीं हैं, पहले तो वो जगह को फिगर आउट करने में डर लगता है, फिर जब फिगर आउट कर लिया तो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा उस बात का डर लगता है। और बोर्ड एग्जाम स्पेशली टेंथ स्टैंडर्ड का कहते हैं कि पहला माइलस्टोन है टुवर्ड्स योर फ्यूचर, द फ्यूचर दैट यू हैव प्लान एंड सीन फॉर योरसेल्फ, द फ्यूचर दैट यू हैव टारगेटेड फॉर। तो भाई हालत तो बिल्कुल टाइट होती है, सिंपल वर्ड्स में दिमाग की दही, जिंदगी में रायता, ये सब कुछ एक साथ हुआ हुआ होता है। बट डू नॉट वरी, मैम इज हियर, स्ट्रेस क्यों लेना है। बट इस स्ट्रेस के पहले मैं ये भी बता दूं, मतलब स्ट्रेस बर्स्ट करने के पहले, कि बच्चों मैराथन सीरीज आपके लिए आ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स का फुल मैराथन, फुल रिविजन होने वाला है, बिगिनिंग विद सोशल साइंस ऑन 29th of November, एंड दिस इज द शेड्यूल, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। बिल्कुल गांठ बांध लो कि ये कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू हैव एन अमेजिंग अप्रोच। हम इन सेशंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आपका इको, सारी चीजें रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू यू नो कीप इन माइंड इज, हम माइंड मैप्स पे नजर डालेंगे, हम टाइम लाइन्स पे नजर डालेंगे, एंड ऑफ कोर्स हम पूरे चैप्टर का बहुत थोरो रिविजन कर रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड द वे वी हैव प्रिपेयर्ड दीज क्वेश्चंस फॉर यू, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। तो क्योंकि आपको फोमो ना हो, हमने बहुत तैयारी करी है, अब आपकी बारी है चैनल को सब्सक्राइब करके वो तैयारी कर लेने की, क्योंकि कल जब ये सेशन आएगा तो आप नहीं चाहते हो कि बाई एनी चांस, बाई वॉट फॉर वॉट एवर रीजन, आपसे ये सेशन मिस हो जाए, इट्स गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर एक्साइटेड कि चलो ये स्ट्रेस बस्टर ट्रिक्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे, तो लाइक भी कर दो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स। दिस इज जेनेरिक, आई थिंक हर एक क्लास के बच्चों के लिए एग्जाम फोबिया जो है वो सब में होता है, और उसको फाइट करने के लिए हमें ताकत और ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत चाहिए होती हैं, सबको चाहिए होती हैं। माय सिस्टर इन फैक्ट वाज रियली रियली यू नो अफ्रेड ऑफ एग्जाम, शी हैड दिस एग्जाम फोबिया। उसके बोर्ड एग्जाम्स के पहले वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द सेंटर, माय मदर इज जस्ट होल्डिंग हर, एंड शी हैड हाई टेम्परेचर, फीवर रनिंग अराउंड लाइक 101 जैसे उसको फीवर है, और वो बेचारी उस हालत में जा रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड द ब्रिंक ऑफ क्राइंग। She somehow enters and writes her exam and gets good marks. तो वो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, the point is डर के आगे जीत है ना। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, which is let the books rest at home. ये गलतियां हम सब ने की है, बिल्कुल एग्जाम में बस में पढ़े पड़े हैं, कार में पढ़ रहे हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ रहे हैं,
एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, 5 मिनट में एग्जाम शुरू हो गया, इन्विजिलेटर ने आकर कह दिया है कि सेटल डाउन, बट यू हैव 5 मिनट्स टू पुट योर बैग्स आउटसाइड एंड यू नो सेटल डाउन, और वो 5 मिनट में बच्चे बिल्कुल पलट रहे हैं, स्ट्रेस में कर रहे हैं, और तभी अचानक एक वर्ड दिख जाता है और लग जाती है वर्ड की ओ माई गॉड आई डिड नॉट सी दिस, या मैंने तो यार मैं ये भूल चुकी हूँ, ये सवाल का जवाब क्या है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो एक सिंपल सी बात समझो, उस किताब को तुम्हें जितना पढ़ना था तुम्हें एग्जाम के एक रात पहले तक पढ़ लिया, सुबह उठ के रिवाइज करना है। जो भी बच्चे, वैसे आई डू नॉट सजेस्ट दिस, बट कुछ बच्चों की आदत होती है, हर एक इंसान के लिए डिफरेंट थिंग वर्क्स, तो अगर आप सुबह उठ के रिवाइज कर रहे हो तो वो घर पे अगर आप बैठ कर डेडिकेटेडली, अगर मान लो 1 बजे एग्जाम है हमारा, हम सुबह 9 बजे से उठकर पढ़ रहे हैं, 9 से 10 तक पढ़ाई की, 11 तक पढ़ाई की, फिर रेडी होकर जा रहे एग्जाम देने, आप को जो रिवीजन करना था आपने वो सुबह के टाइम पे रात के टाइम पे कर लिया, उस किताब से आपको जितना सीखना था आपने सीख लिया, अब आपके पास सीखने के लिए वक्त नहीं है और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जो सीख भी लोगे वो रिटेन नहीं कर पाओगे इन्फॉर्मेशन। सो वन वेरी सिंपल वे ऑफ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ पैनिक अटैक फॉर योर सेल्फ, पुटिंग योर सेल्फ इन अ पोजिशन जहाँ पे आप किताब में कोई चीज़ देख करके डर जाओ कि यार ये छूट गया, ये भूल गए, उस किताब को ही छोड़ कर आ जाओ। आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको उस किताब में, उस 5 मिनट में, उस आधे घंटे में कुछ नया नहीं नज़र आ जाएगा जो आपने पिछले 5 महीनों में, 6 महीनों में नहीं सिखाया है, नहीं पढ़ा है, वेदांतों के सेशंस में डिस्कस नहीं किया है, नन ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन। सो लीव दैट बुक बैक एट होम, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, उसको छोड़ कर ही आ जाओ और सब पढ़ने दो, तुम चिल करो, फोकस ऑन कामिंग योर सेल्फ डाउन, जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उसको याद करो कि हाँ ये ऐसे करना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है, सिंपल इज दैट। हम जितनी बार किताब खोलेंगे हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखेगा, जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा देख करके भी लगेगा डर कि भूल गए हैं, इस सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं है, डोंट क्रिएट अ सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास क्या आपके बैटल की, एग्जाम इज नो लेस देन अ वॉर और अ बैटल, क्या आपके पास आपके बैटल की, आपके वॉर की पूरी वेपन्स की तैयारी हो चुकी है? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? प्लीज प्लीज मेक श्योर टू फिक्स योर स्टेशनरी बिफोर एटलीस्ट अ डे, एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग विथ एक्सपीरियंस, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अचानक रात को याद आया मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास एक ही पेन है, उसका लिड खत्म हो गया, तो कहीं पेंसिल टूट गई, तो फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी एट योर डिस्पोजल, और ये ट्रस्ट मी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आपकी रूलर्स, आपके रेजर्स, आपके पेंसिल्स, बॉल पॉइंट पेन, जेल पॉइंट पेन, ब्लैक कलर का पेन, रेड कलर का पेन, ब्लू कलर का पेन, जो चाहिए दुनिया भर में वो सेट करके पैक करके रख दो। बुक्स पैक करनी नहीं है, हमें ले नहीं जाना है, है ना, सेंटर पे। तो सबसे बड़ी बच्चे तैयारी होती है तैयारी, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना, रिलीव करना, स्ट्रेस से दूर रखना, तैयारी पूरी रखना, है ना, प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन सिर्फ कंटेंट के टर्म्स में नहीं है, ये प्रिपरेशन उस टर्म्स में भी है कि क्या आपने सारा सामान रेडी रख लिया है, क्या आप अपने वाटर बॉटल रख के रेडी हो, क्या आपके पास वाइटनर या जो भी चीज़ें चाहिए वो रख के रेडी हो, क्या आपका स्कूल ड्रेस प्रेस्ड है, क्या आपके शूज पॉलिश्ड हैं, एवरीथिंग थिंग दैट यू नीड टुमारो मॉर्निंग, एवरीथिंग दैट यू नीड बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल, कैन यू सी इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड लिस्ट इट डाउन कि हाँ ये तैयार है मेरा। आप जब ये कर लेते हो, मैं आपको बता रही हूँ, अगले दिन 50 चीजें आपको स्ट्रेस आउट करी होंगी, बट ये एक चीज भी अगर सही से चल गई ना, सही चीजें सामने जब होती हैं, ट्रस्ट मी इट काम्स यू डाउन टू अ लेवल यू कैन नॉट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते हो, बट आप जब ये सब देखोगे ना तो लगेगा थैंक गॉड एक तो चीज सही हो रही है, सब गलत लगेगा उस दिन, बट ये एक चीज कम से कम सही होगी। तो ये तैयारी पहले से रखनी है। एग्जामिनेशन में कई बार हमारा पेंसिल गिर जाता है, अब अगले वाले पेपर के दिन पहले का पेंसिल कलर हमारे पास नहीं है, वो दोबारा ले आओ, एग्जाम के पहले कर लो, अपना हथियार पहले तैयार रखो, पहले के राजा महाराजा अगर बैटल पे जाने वाले दिन अपने वेपन्स को प्रिपेयर करते, सफाई करते, तलवार को शार्पन करते, तो हो जाती कहानी खत्म, कभी नहीं जीतते। तैयारी हमेशा शुरू से करके रखनी चाहिए, एंड दैट इन इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको स्ट्रेस उस चीज की बिल्कुल नहीं होगी, यू ऑलरेडी वुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट, दिस इज नॉट व्हाट यू नीड,
ये एडिशनल नहीं चाहिए। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, बट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, अवॉइड फ्रेंड्स। नो गाइस, दिस इज अ मिस्टेक दैट वी डू। आई नो पेरेंट्स कहते होंगे कि दोस्तों को भूल जाओ, फोन साइड में रख दो, जो बच्चा दोस्तों के चक्कर में रहता है जिंदगी भर रोता है, एग्जाम्स खराब हो जाएंगे, दे हैव देयर ओन रीजंस टू से, बट ट्रस्ट मी, डू नॉट अवॉइड योर फ्रेंड्स। आई टेल यू फॉर वेरी सिंपल रीजंस एज टू व्हाई। आपको कई सारे अपडेट्स आपके दोस्तों से मिलते हैं, आप पढ़ाई के चक्कर में, तैयारी में कई बार ऑफ ट्रैक हो जाते हो, यू डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ टाइम, यू डोंट हैव द ट्रैक ऑफ अपडेट्स, यू डोंट हैव डिटेल्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। इन सब चक्करों में हम भूल जाते हैं कई सारी चीजें। नॉट जस्ट दैट, हम कई सारे लोगों में आदतें होती हैं कि दोस्तों के सामने बोला कुछ नहीं पढ़ा या बहुत पढ़ा है, बिल्कुल उनको पैनिक स्टेट में डाल दिया और लगता है कि वो भी डाल देंगे, इसलिए इनसे बात ही मत करो, फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। हैव अ रेगुलर इंटरेक्शन, बातों बातों में पूछ लिया कि क्या पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, एवरी टाइम यू इंटरैक्ट विद समबडी, उन्होंने भी नॉलेज गेन किया हुआ है, यू ऑलवेज लर्न समथिंग। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो, आपको सामने वाला हमेशा कुछ सिखा कर जाता है। और उसमें भी अगर दोस्त ऐसे जो पढ़ने वाले नहीं है, वो बहुत बढ़िया है आपके लिए। आई टेल यू व्हाई, नॉट बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिशन और वो आपको पैनिक नहीं कराएंगे, नहीं, इसलिए क्योंकि तब आप उनको चार चीजें बताते हो, ये नहीं पढ़ा तुमने, आउट ऑफ कंसर्न यू विल टेल देम कि अरे यार नेशनलिज्म इन यूरोप में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली की डेट्स याद कर लो, आपको पता होना चाहिए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में और इटली में क्या डिफरेंस था, इटली पहले से इतने डायनेस्टीज में डिवाइडेड थी, ठीक है, लाटालिया का क्या मतलब है। जब आप ये सब रिवाइज कर रहे हो उनके साथ, आप उनको बता रहे हो, आपका अपने आप रिविजन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, देर इज नो बेटर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, देर इज नो बेटर वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स देन टीचिंग इट टू समबडी एल्स। सो डू नॉट अवॉइड योर फ्रेंड्स, रिवाइज विद देम, फोन लगाओ उनको, पढ़ा दो, पढ़ लो उनसे, पढ़ा दो। मैं तो कॉलेज में यही करती थी एंड दिस इज वॉट इज वर्क फॉर मी। सो रिमेंबर, फ्रेंड्स आर देयर फॉर योर लर्निंग। नोज का इस्तेमाल बढ़िया से करना है, यूज योर नोज प्रॉपरली। नाउ दिस मे सीम वेरी वियर्ड टू यू, आपको लगेगा मैम आंखों का, दिमाग का, हाथ का इस्तेमाल समझ आता है, एग्जाम लिखने के लिए हाथ की जरूरत है, पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत है, दिमाग तो चलाना ही है, ये नाक बीच में कहाँ से आ गई, है ना, बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि नाक बीच में कहाँ से आ गई। आप जब पैनिक करते हो, नॉर्मल फीलिंग क्या होती है, बहुत गर्मी लग रही है, सांस नहीं आ रही है, सर भारी हो रहा है, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन फंडा ऑफ अंकु मैम, ये याद रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको जब लगे बच्चों कि अब क्या, अब नहीं हो पाएगा, या यू आर इन अ स्पॉट वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ, यू पैनिकिंग, जस्ट लीव एवरी थिंग, मे बी यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है, एग्जाम छूट रहा है, छूट रहा है, छोड़ो, लीव इट फॉर 10-15 सेकेंड्स। 10-15 सेकेंड में आप कुछ नया नहीं कर लोगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लोगे, 15 सेकेंड में अपनी सैनिटी वापस लाना, अपनी स्टेबिलिटी वापस लाना, अपने आप को काम करना और पीस में फाइंड करना ज्यादा जरूरी है। सो लीव एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, ड्रॉप योर पेन, ड्रॉप योर पेंसिल, एवरीथिंग, क्लोज योर आइज एंड जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिमेंबर टू ब्रीद। योगा में भी कहते हैं सांस लेते रहना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, ऋतिक रोशन ने कहा था, फंडा बहुत सिंपल है यार, बस सांस लेते रहना है। आप जब सांस लेते रहते हो, अपने आप ऑक्सीजन सही जगह पे पहुंच कर अपना काम कर देता है, बट दैट्स दैट्स वेरी साइंटिफिक, नॉट गोना गो इन दैट, बट इन सिंपल वर्ड्स जस्ट कीप ब्रीदिंग। जब भी डर लगे, जब भी गला सूख रहा है, ब्रीद इन, टेक 5 डीप ब्रेथ्स, calm yourself down and stay positive, which brings me to the very important next point is be stupid. Now what does that mean? It's okay to make silly mistakes, first of all. Don't beat yourself ki yaar maine ye galti kaise kar di, human error bache, hum insaan hai, humse galtiyan hoti hai, ho gayi, jaane do, uske piche jaan nahi deni hai, it's an exam. It's not the last thing in your life. Also, it's not the last exam of your life. We have to do well. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोशिश भी नहीं करनी है, बट अगर गलती हो गई तो उसके चलते आगे की सारी चीजों के लिए अपने आप को इतना डिप्रेस नहीं कर देना है कि वो अपने आप खराब हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती अभी हुई है, अभी आगे सुधारने को बहुत कुछ है।
हर एक पेपर के बाद एक पेपर है जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। ये टर्म वन है, फिर टर्म टू है जिसमें आप सुधार सकते हो। दिस ऑलवेज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नहीं स्क्रू करेंगे, बट अगर हो भी गया तो अपने आप को इतना इतना ज्यादा बीट नहीं करना है, पनिश नहीं करना है, और अपने आप को डिप्रेस थॉट प्रोसेस में नहीं ले जाना है जहां बहुत नेगेटिविटी आ जाए। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम अ फेलियर। जब भी ऐसे थॉट्स आए, बी स्टूपिड, काउंटर दीज थॉट्स विथ योर ह्यूमरस एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है यार, एग्जाम नहीं हुआ तो खाना बनाने का शौक है, शेफ बन जाएंगे, अपना होटल खोल लेंगे, मम्मी को घर में हेल्प कर लेंगे, है ना। ऐसे थॉट सोचने, वर्स्ट केस सिनेरियो को भी फन की तरह सोचना है कि ठीक है इसमें ये भी कर लेंगे। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी स्टूपिड, काउंटर इट विथ ह्यूमरस थॉट्स, वो बहुत जरूरी है। आप जब इट्स लाइक अ विशियस साइकिल है और अ वर्चुअल साइकिल, जो हमें पढ़ा है ना सोशल साइंस में, इट्स अ साइकिल। आप जब नेगेटिव थॉट्स के चेन में पढ़ते हो तो वो थॉट्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आप उस चीज में और ज्यादा नेगेटिविटी में जाते जाते हो। यू हैव टू कॉन्शियसली पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर, एंड दैट्स वेयर यू ब्रिंग इन कि ठीक है यार ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वही कर लेंगे, ठीक है जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना, अपने आप को हर एक मोमेंट में मार कर क्या फायदा है। सो लेट्स जस्ट बी स्टूपिड, लेट्स मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर बोर्न टू मेक एरर्स, इट्स ओके। रिमेंबर, नो मैटर वॉट, आई बिलीव इन योर गाइज, आई बिलीव इन यू गाइज, एंड योर पेरेंट्स बिलीव इन यू, एंड यू आर स्पेशल, एंड यू आर ब्लेस्ड, एंड यू आर अमेजिंग। रिमेंबर दैट यू आर अमेजिंग। मे बी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो कुछ और कर लेंगे, यू वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एंड टैलेंट्स इन यू। डोंट बीट योर सेल्फ, डिप्रेस योर सेल्फ, और दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द लास्ट थिंग, एंड दिस विल नॉट डिसाइड हु यू आर। सो जस्ट रिमेंबर दैट सारी स्पार्क, सारी लाइट हमारे अंदर है, हम सब कर सकते हैं, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर इनक्रेडिबल। सो जस्ट विद दैट थॉट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, यू गाइज आर गोइंग टू बी ऑसम। बाकी आगे चल करके जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स की, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन असाइनमेंट, यू नो सिलेबस में पीछे छूट रहे हैं, टर्म टू टर्म वन की गलतियों से टर्म टू के लिए बहुत कुछ सीखा है हमने, तो याद रखना है वेदांतो लाइव एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू विथ एवरी थिंग दैट इज देयर, यही आपकी मदद करेगा। और ये डेट है जिन जिन डेट्स पे नई बैचेस शुरू हो रही हैं, 9th और 10th की, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड प्रो कोड लगाना है। अगर आप ट्रायल पैक के लिए जा रहे हो 15 डेज एडिशनल मिलेंगे, अगर नहीं जा रहे हो फुल लॉन्ग टर्म के लिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ कैन यू चेक दिस आउट एंड व्हाट यू नीड टू डू, सो लेट जस्ट से दैट दिस इज द सेशन दैट यू आर वॉचिंग। अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो आपने बस नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे शो मोर पे जाना है। जब आप शो मोर पे जाते हो तो पूरी लिस्ट आपके सामने अपने आप आ जाती है, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सी यू विल बी टेकन ओवर हियर, वेयर यू हैव द यू नो लाइट, क्लासिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। क्लासिक गिव्स यू द डाउट सॉल्विंग ऐप, प्लस विल गिव यू डाउट सॉल्विंग ऐप के साथ साथ पर्सनल मेंटर इज वेल। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, वॉट एवर यू फील इज डिजायरेबल इज हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दैट। टर्म टू है आगे है, अभी टर्म वन पे फोकस करना है, उसके बाद जस्ट लेटिंग यू नो टर्म वन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर लगे इस चीज की जरूरत है गो अहेड विथ इट, एंड प्रो विल ऑलवेज बी देयर विद यू। तो मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, टिल द नेक्स्ट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, यू गाइज आर रॉक स्टार्स, यू गाइज आर माई सुपर स्टार्स, और अंकु आर्मी इज द बेस्ट। सो रिमेंबर दैट एंड टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स दैट यू गाइज आर गोइंग टू बी ऑसम एंड सेट द स्टेज ऑन फायर एंड रॉक योर एग्जाम्स। You guys have all of us blessings, हम सबकी blessings आपके साथ है, तो tension किस बात की है ना। अब इसी बात पे ये dose of motivation अगर आपके friends को चाहिए तो video share जरूर कर देना, siblings को, किसी भी class के बच्चे को, it's not specific, it's just I wanted to do it out there for every student, क्योंकि हम भी उसी जगह से गुजर चुके हैं, we have been through that, so we know it, right? And do not forget to subscribe to the channel and thank you so much for being here. See you guys very soon. कल मैराथन है 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, डू मेक अ नोट ऑफ इट, सी यू देयर, बाय, गुड नाइट।